लेकिन हम चलते हैं मृत्युंजय के पास, कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग और क्या है उम्मीद। शुक्रिया मेहर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आज भी जारी है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं यूएस में वो बुलियन मार्केट के लिहाज से काफ़ी नेगेटिव हैं, क्योंकि यूएस में जॉबलेस क्लेम करीब 43 साल के निचले स्तर पर है और इसमें करीब 12,000 की कमी आई है। तो ये कुछ ऐसे अहम डेटा है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। आज यूएस में कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े भी आएंगे, देखना होगा किस तरह के आंकड़े आते हैं, उसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की, तो दो दिन की उठापटक के बाद आज मार्केट दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। $53 प्रति बैरल के आसपास है WTI क्रूड का भाव और ब्रेंट का भाव 56 के करीब है। और ओपेक ने जो उत्पादन में कटौती ओपेक की तरफ से शुरू हुई है, उसका इम्पैक्ट अब मार्केट के ऊपर दिखना शुरू हुआ है। लेकिन बाजार के लिए एक बड़ी बात यह है कि ओपेक ने उत्पादन में कटौती शुरू की है, लेकिन यूएस में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब माना यह जा रहा है कि क्रूड का मार्केट यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं कॉमट्रेंड्स के डायरेक्टर टी ज्ञानशेखर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ रवि सिंह हैं SMC कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ज्ञानशेखर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बुलियन का मार्केट दबाव में तो है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं जॉबलेस क्लेम के US में, क्या इम्पैक्ट आप इसका मार्केट पर आगे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जॉबलेस क्लेम का इतना महत्व नहीं है, बट व्हाट वी सॉ यस्टरडे वाज स्टॉक मार्केट्स गोइंग अप ऑन द बैक ऑफ सम टैक्स अनाउंसमेंट्स बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक थोड़ा सेफ हेवन बाइंग था बिकॉज ऑफ ऑल दी यू नो अनसर्टेनिटीज इन द US फ्रॉम द ट्रंप पॉलिसीज। तो अभी थोड़ा मार्केट इज अगेन शेयरिंग and hoping that there will be some tax reforms there. So, uske wajah se jo safe haven buying tha, wo to kam ho gaya and people have started booking profits. So, I think the trend might continue, this corrective trend might continue, lekin overall, because of the overall situation, I think gold will again be bought near 12, 20, 12, 15 ke aaspaas COMEX mein. And okay. In the Indian markets, रवि, आपका व्यू क्या होगा बिल्कुल ताजा भाव पर आज के लिए, किस तरह का ट्रेड करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, अभी गोल्ड में अगर देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ से गिरावट पड़ सकता है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो 28,800 से 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन में 100 रुपए के स्टॉप लॉस एक बार बेच के चलना चाहिए। आज चूंकि लास्ट ट्रेडिंग डे है वीक का, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है। रुपए में जिस तरीके से स्ट्रेंथ लौटी है उसको देखते हुए यहाँ पर वीकनेस अभी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। जी, तो इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, दबाव में है MCX पर गोल्ड और सिल्वर का भाव, और नेचुरल गैस में भी करीब 1.5% की नरमी है, 207 के नीचे है शुरुआती दौर में MCX पर नेचुरल गैस का भाव। निकिल में अगर हम देखें तो करीब 1% की तेज़ी आई है, 693 के आसपास है MCX पर निकिल, और कॉपर में भी करीब 1 रुपये की मजबूती है, 392 के आसपास यहाँ पर कॉपर में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिंक में भी करीब 1% की तेज़ी है। ठीक है ज्ञानशेखर, जो बात अभी हमने की गोल्ड की, सिल्वर के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? क्या आपको आने वाले समय में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड का? This question has been asked so many times and the answer is the same. So silver will outperform gold when it starts rallying in the complex precious metals complex. Whenever you see gold is first to rally and then uske baad silver becomes slightly underpriced and then it catches up. So yahi to trend hoga silver mein, but you need to patiently wait, but then the returns will definitely be higher. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात अब कच्चे तेल की और क्रूड की बात करें अगर तो रेंज बाउंड ट्रेड है क्रूड में कल की रिकवरी के बाद, और क्रूड के लिए दो तरह के फंडामेंटल एक साथ चल रहे हैं। एक तो ओपेक ने उत्पादन में कटौती शुरू की है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों खबरों के बीच टी ज्ञानशेखर, आपका व्यू क्रूड के ऊपर क्या होगा? Actually, मुश्किल है बिकॉज आई थिंक मार्केट इज अनेबल टू मेक अ क्लियर डायरेक्शनल व्यू उसके में आगे कैसे चलेगा प्राइसेस।
But you know, the most important thing is the compliance. Jo bhi OPEC cut hua tha, whether it, they will comply, adhere to it, was a big question. That has now been clearly proved, and that is a bullish news. But then the rising supplies is a problem. But please keep in mind, the rising supplies pehle bhi tha when prices hit $26 or, you know, to that 30-35. So market, I think, will ignore these rising prices at least for some time. Till it reaches $60-$65 where it becomes overpriced. So mere khayal se upside ka jyada chances hai. ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपसाइड का चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, आपको क्या लगता है रवि क्रूड में? डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्रेड अपसाइड में, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक बार को 3580 का लेवल आज इंट्राडे में, और अगर थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं आप वीक ऑन वीक बेसिस से, तो मुझे लगता है कि 3630 का लेवल आपको फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में फिर से देखने को मिल सकता है. अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोटा स्टॉप लॉस है, रिवॉर्ड बड़ा है. यहाँ पर 3480 और 90 के बीच का स्टॉप लॉस एक बार लगाकर बाय करना चाहिए. अपसाइड में 100 से 150 रुपए तक का मोमेंटम मिल सकता है. आज हो सकता है आपको 60 से 70 रुपए तक की तेजी मिले, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड जनरेट हो सकता है. ठीक है, ठीक है शिखर, ओवरऑल मेटल मार्केट के ऊपर आपका आउटलुक क्या है, और इंट्राडे ट्रेडर को आप किस मेटल में ट्रेडिंग की सलाह देंगे? See, I think as far as metals is concerned, the most important challenge, jo bhi supply issues hai metals mein, and because of that, you know, we are seeing prices bouncing up, or overall stock markets are also doing well. Uska bhi asar hai metals market mein. But at this point in time, you know, the rate hike in China, which happened last week or the week before, that is it undermines the entire strength. So thoda cautious optimism hai metals market mein right now. You know, you can't say that it's very bullish from here or a clear direction from there. Okay. Mere khayal se metals market bhi range bound hi hoga yahan se. Theek hai, aakhri sawal Gyan Shekhar aapse, currency market ko lekar ke aapka outlook kya hai? See, as of now, I think the rupee continues to strengthen it. और भी स्ट्रेंथनिंग होने का चांसेस है, बिकॉज यू नो देयर हैज बीन इनफ इनफ्लोस, एंड स्टॉक मार्केट्स भी एक ऊंची की तरफ है, एंड विद द ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड आल्सो, वेयर द ग्लोबल डॉलर इज स्लाइटली वीक, मेरे ख्याल से 66-70-75 तक आने का उम्मीद है. Okay. So I think it's a sell on any optics for a target of 66-70-75 on a spot basis. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक ज्ञान शेखर और रवि आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं.